नमस्ते पेरेंट्स मेरा नाम नितिन परमार है मैं प्रो टैलेंट से हूँ नमस्ते पेरेंट्स आई एम नितिन परमार एंड आई एम फ्रॉम प्रो टैलेंट एंड दिस इज़ अ स्पेशल सेशन व्हेन योर चाइल्ड इज सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल वी आर ब्रिंगिंग स्पेशल वीडियो फॉर यू जब आपके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं ये वीडियो ड्यूअल लैंग्वेज में रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा ये पहला वीडियो है ऐसे टोटल मैं आपके लिए चार वीडियो लेकर आऊँगा ठीक है ये पहला वीडियो है एवरी थिंग अबाउट क्लैट सेकेंड वीडियो विल बी अबाउट वॉट वॉज अ कट ऑफ ऑफ क्लैट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड इन टर्म्स ऑफ रैंक ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होगा बहुत सारे पेरेंट्स के लिए ठीक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो खत्म होने के बाद ठीक है मतलब बच्चे की एग्जाम खत्म होने के बाद आप उनको जरूर दिखाइए उनको बड़ा फायदा होगा ठीक है तीसरा सेशन आएगा हमारा विच इज ददर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन वी है अपीयर फॉर ठीक है एंड सेशन नंबर फोर दैट वॉट टू डू फर्दर इफ कट ऑफ इज नॉट क्लियर ठीक है क्या हमारे पास रास्ते है किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं ये अलग अलग तरीके के वीडियो आएंगे आपके लिए तो प्लीज इसको मिस नहीं करिएगा दोस्तों आज का ये वीडियो है इज अ पार्ट ऑफ एडमिशन प्रोसेस एड प्रो का हमारा मॉड्यूल है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि क्लेट के एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे है ठीक है ताकि आप एक समझ पाए आई एम श्योर आपको पता ही होगा जब आपके चिल्ड्रन uh, ये एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता ही है है ना आपको भी पता है कि ये एग्जाम का पूरा प्रोसेस कैसा है क्योंकि आपने उस प्रोसेस को एक जर्नी के तरीके से देखा है हावेवर मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगा जो कहीं कोने कोने में फंसी होगी ठीक है शायद आपका वहाँ पे ध्यान ना हो तो मैं वहाँ पे आपका ध्यान लगाना चाहूँगा ठीक है सो माई डियर पेरेंट्स In this session, I am going to discuss about this important parameters. There are so many colleges in the country. Those colleges have different affiliation. They come from new private universities. They come from deemed university. They come with a different name like BLLB, BCOMLLB, BBLLB. Now what happens with all those different names? We are going to talk about it. what is the application process how is the ranking and uh, which kind of colleges should i target okay what about the location what about the fees constraint all those things are going to be discussed in this particular session ye session mein main aapke sath sab cheezon ke bare mein baat karunga ki location ka constraint hai fees का constraint है, है कैसी college में जाना चाहिए क्या thought process होना चाहिए student का ठीक है वो मैं आपके साथ यहाँ पे बात करूंगा Pro talent, बिलीव्स to provide students a holistic solution to all their queries theek hai kyunki students bahut mehnat karte hain students ka koi particular college mein admission nahi hona doesn't mean that the student is not worthy of he can developing a great career aisa nahi hai ki uska ek dream college में admission नहीं हुआ तो मतलब वो बच्चा worthy नहीं है ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा है भी नहीं ना ठीक है हम सबको पता है हम सब पेरेंट्स को पता है कि इतनी सारी कॉलेजेस है और ज़रूरी नहीं है कि उनमें से कुछ ही कॉलेज में एडमिशन मिले तो अच्छी बात है हाँ ये ज़रूर अच्छी बात है कि हम तैयारी इस तरीके से करें कि जो टॉप कॉलेजेस है वहाँ पे हमें एडमिशन मिले वो एडमिशन मिलना हमारे सेल्फ इस्टीम के लिए अच्छा होता है है ना स्टूडेंट को ऐसे गोल और टारगेट अचीव करना अच्छी बात है पर उससे कोई वर्दीनेस तो डिसाइड होती नहीं है ऐसा तो नहीं है कि एन एल एस आई यू बेंगलोर में पढ़ने वाला हर बच्चा बहुत अच्छा लॉयर बनेगा या आई आई टी में पढ़ने वाला हर बच्चा अच्छा इंजीनियर बनेगा ऐसा तो नहीं है आई होप वी अंडरस्टैंड दिस बराबर तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा बच्चा वर्दी नहीं है अगर उसको टॉप एन एल यू में एडमिशन नहीं मिला हाँ ये बात भी तय है कि हम उसको ट्रेन ऐसे करें कि वो टॉप में जाए ठीक है टॉप में जाने की बिल्कुल मेहनत करें क्योंकि अगर उस तरीके से उसके अंदर आग होगी कि मुझे टॉप में जाना है और उसके लिए मैं मेहनत करूं तो आगे फ्यूचर में भी जो जो भी ऐसी चैलेंजेस आएगी उन सभी चैलेंजेस के लिए वो इस तरीके से तैयार होगा तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि हमें बच्चों को पॉजिटिवली गाइड करना चाहिए इन मामले में तो हम बात करेंगे अभी जो सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है दैट इज़ क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट अप्रोक्सीमेटली इस बार पहली बार से ये दिसंबर में एग्ज़ाम हो रही है इस बार बच्चों के लिए थोड़ा सा चैलेंज आ गया मेरा ऐसा मानना है कि एन को दैट इज़ स्कॉन्सरशियम को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का पढ़ाई का लाइफ साइकिल कैसा है ठीक है दिसंबर महीने में बच्चों का प्री बोर्ड आता है प्री बोर्ड के साथ साथ बच्चे ये सब एग्जामिनेशन लिखते हैं तो एक चैलेंजिंग सीनारी उनके लिए क्रिएट होता है जो अच्छी बात नहीं है ठीक है तो आइडियली उनको ये एग्जाम मे में ही लेनी चाहिए पर ठीक है ये लोग इस साल तो दिसंबर में ले रहे हैं टोटल सीट्स ये एक अप्रोक्सीमेट नंबर आपके लिए लेकर आया हूं इसके अंदर नया जो सीट जी एन एल यू सिल्वासा चालू हुआ है वो इंक्लूडेड नहीं है उनमें से करीबन 1635 ऑल इंडिया कैटेगरी की सीट्स है तो पेरेंट्स सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जितने भी एन एल यूज है उन एनएलूज में एक वर्टिकल डिवीजन होता है ठीक है वर्टिकल डिवीजन होता है ऑफ सीट्स वर्टिकल डिवीजन इज अवेलेबल फॉर जनरल कैटेगरी एस सीज एस टीस ओ बी एंड ई डब्ल्यू एस ये वर्टिकल कैटेगरी है विच मीन्स एक कॉलेज में जितनी सीटें होगी उसको इन इसी कैटेगरीज में परसेंटेज टर्म्स में डिवाइड कर दिया जाएगा उसके बाद आएगा आपका हॉरिजोंटल कैटेगरी हॉरिजोंटल का मतलब है हर एक कैटेगरी में ये हॉरिजॉन्टल पार्ट को गिना जाएगा हॉरिजोनटल में क्या आता है डोमिसाइल आता है मानो कोई पर्टिकुलर एन ने कहा कि हमारे यहाँ पे जितनी सीट्स है उनमें से ट्वेंटी फाइव परसेंट सीट्स आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्टेट ठीक है तो वो हो गया उनका डोमिसाइल बराबर है अब डोमिसाइल के अंदर हर एक कैटेगरी में ट्वेंटी फाइव परसेंट सीट्स आर अवेलेबल कभी कभार कुछ एनएलूज इतना क्लियर बोलती है कि डोमिसाइल का बेनिफिट वी आर ऑफरिंग ओनली इन वन पर्टिकुलर कैटेगरी ओनली ठीक है हो सकता है ऐसा ठीक है जैसे कुछ कुछ एनएलूज एस सी एस टी ओ बी सी का रिजर्वेशन दे ऑफर ओनली टू द कैंडिडेट्स ऑफ देर ओन स्टेट ठीक है तो ये भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग सिनारियो बनता है ठीक है तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मैं आपको जब एक एन से बताऊंगा कि कट ऑफ क्या है एन का अलग अलग उस वीडियो में मैं आपको इन सब कैटेगरी का प्रॉपर डिवीजन बता पाऊंगा ठीक है अभी तो आप ये समझिए दर इज अ वर्टिकल डिविजन एंड देन विद इन वर्टिकल दर इज डोमिसाइल दर इज वीमेन कैटेगरी ये सर नो तो ये उस यू कैन से वर्टिकल कैटेगरी का पार्ट है समझ आ रहा है ना सबको वेरी गुड माई डियर पेरेंट्स अगर आपको ये बातें समझ आ रही है प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें ठीक है और आपके साथ आजू बाजू जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं उनको ये लिंक जरूर दीजिए ताकि ये अपना पढ़ाई अच्छे से कर पाए अपने बच्चे के साथ वो ढंग से बात कर पाए अगला मुद्दा आता है कि ये बी ए बी बी ए बी कॉम बी एस सी एल एल बी कोर्स में अंतर क्या होता है क्या लेना चाहिए क्या मेरे बच्चे को बी ए लेना चाहिए उसको तो कॉर्पोरेट में जाना है तो बी ए लेना चाहिए ठीक है उसको सी.ए. तो नहीं करना है तो बी कॉम लेना चाहिए क्या ठीक है अच्छा साइंस का बच्चा है तो बी लेगा तो क्या वो नेहरो हो जाएगा उसको बी में क्या ही पड़ेगा लॉ की बात ऐसा सब अगर आपके मन में विचार है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ठीक है कि ये अलग अलग तरीके के डिग्रीज बहुत सारी कॉलेज नहीं देती है कुछ ही लिमिटेड कॉलेजेस देती है ठीक है एन एल एस आई यू बैंगलोर ऑफर्स भी एल एल बी ओनली ये सो कुछ कुछ जगहों पे आपको बी ए बी बी ए के अलग अलग ऑप्शन हैं ठीक है थीके, तो बेसिकली अंतर क्या होना चाहिए बी ए बी बी ए बी कॉम बी एस सी में अंतर क्या होना चाहिए चलिए एक एक करके समझते हैं बी ए कोर्स के अंदर काफ़ी एक ऐसे ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स साइकोलॉजी सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ठीक है ये सब के बारे में जानकारी बनती है स्टूडेंट्स को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मिलता है ठीक है तो बी इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट एक ऐसे डिग्री जो ज़्यादातर बच्चे लेना चाहते हैं हावेवर वो काफ़ी पढ़ाई वाला माहौल क्रिएट करता है और बी एल एल बी करने के बाद भी कॉरपोरेट में जाना है आप जा सकते हैं पाँच साल की पढ़ाई में बी ए विल बी थोड़ा सा कम्बरसम बच्चे को ज़्यादा सब्जेक्ट्स थोड़े हैवी वे में पढ़ने पड़ेंगे ठीक है पर गलत बात कोई नहीं है बहुत अच्छा है अच्छी बात है ज़्यादातर कॉलेज वही देती है फिर आता है आपका बी बी ए इज़ मैनेजमेंट की फील्ड का होता है ठीक है मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादातर बच्चे को मिलते हैं सब्जेक्ट्स विचार डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट कॉमर्स को समझना इकोनॉमिक्स कैसे चल रही है मार्केटिंग फाइनेंस एच ठीक है तो ये अच्छे कोर्सेस हैं ठीक है सब्जेक्ट्स भी अच्छे हैं ईजी होते हैं बच्चे को कम पढ़ाई में काम हो जाता है ये सन हो क्योंकि बच्चे ने इलेवन ट्वेल्थ में जो पढ़ाई करी है कॉमर्स में अगर पढ़ाई करी हो तो ठीक है तो पक्का ही उसको फ़ायदा होगा बी करने के बाद क्या मैं क्रिमिनल लॉ में जा सकता हूँ क्या बी करने के बाद मैं जुडिशरी की एग्ज़ाम दे पाऊँगा बिल्कुल दे पाएंगे चिंता ना करें ठीक है फिर बी कॉम बी कॉम उन बच्चों के लिए है ज़्यादातर जो टैक्सेशन में जाना चाहते हैं ठीक है बहुत कम कॉलेजेस आपको बी कॉम देती है ठीक है और बी एस सी जनरली साइबर सिक्योरिटी में आपको मिलता है ठीक है या फॉरेंसिक साइंस में मिलता है ठीक है तो आप कोई भी इस तरीके का कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो आप ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरी चलिए अच्छी बात है आप जो एल करेंगे बैचलर के साथ उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वो फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का वहां पे दारोमदार ज़्यादा है लॉ करने से मैं कैसे कौन कौन से करियर में जा सकता हूँ इफ़ आई एम डूइंग माई लॉ आई कैन गेट इन टू वन ऑफ़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेन लास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू गो इज़ आर गेटिंग इन टू द लॉ फॉर्म्स ये बच्चे लॉ फॉर्म में काम करना चाहते हैं ये जाना चाहते हैं उन बड़ी बड़ी कंपनियों में दैट इज सिरिल अमरचंद मंगल दास ए एन जेड पार्टनर्स सुरेश चुराना खेतान एंड कंपनीज ठीक है उन कंपनियों में जाना चाहते हैं ठीक है दे आर लॉ फॉर्म्स ठीक है दे टेक अप द केसेस ऑफ बिग फॉर्म्स एंड इन टर्न दे एम्प्लॉय बिग लॉयर्स दे दो लॉयर्स हेल्प देम टू यू कैन से सेटल द केसेस ठीक है सो बेसिकली आप अगर लॉ फॉर्म में काम करते हो तो आपके पास कंपनीज आएगी कंपनीज के काउंसिल आपके पास आएंगे और वो उनको आप गाइड करेंगे और कंपनी उसके द्वारा आगे बढ़ेगी ये सन तो या तो आप जा सकते हो कॉर्पोरेट लॉ में हमारा एक स्टूडेंट है जी से इस साल पास आउट हो रहा है है ना जून में पास आउट होंगे उससे पहले उनको अदानी में है ना अदानी में अदानी ग्रुप के अंदर लॉ ऑफिसर की नौकरी मिल चुकी है विच इज़ वेरी गुड ये सर नो ठीक है सिमिलरली सम ऑफ यू मे भी इंटरेस्टेड टू गो फॉर लिटिगेशन कि आप केस करना चाहते हो केसेस लड़ना चाहते हो आप में से कुछ लोग जुडिशरी की तैयारी करना चाहेंगे मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ठीक है जिनको नौकरी नहीं मिलती है वो जुडिशरी की तैयारी करेंगे ऐसा सोच के आगे बढ़ते हैं हावेवर ऐसा नहीं है इनफैक्ट देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स इन दिल्ली यूपी बिहार है न दे पुट लॉड ऑफ़ एफर्ट्स टू गो फॉर जुडिशरी ठीक है तो वो भी एक अच्छा फील्ड है सम ऑफ देम आर गेटिंग इन टू बिजनेस एंड लॉ तो बिजनेस भी करना चाहते हैं लॉ के साथ करना चाहते हैं मीडिया में जाना चाहते हैं रिसर्च और एकेडमिक्स में भी जाना चाहते हैं एकेडमिक्स तो आज बहुत ग्रो हो रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे अच्छे कैसे लीगल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत रहती है ठीक है जिन्होंने एल एल बी किया हो एल एल एम किया हो पी एच डी किया हो ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है तो ये लंबा रास्ता है पर अच्छा रास्ता है आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी नौकरी लेकर और जल्दी कमाना चाहते हैं क्विकली कमाना चाहते हैं तो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज वन एरिया विच यू कैन वेरी वेल इट और सम ऑफ यू आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई योर इनर कॉल द मॉरल वैल्यू एंड यू वॉन्ट टू चेंज

नॉन लॉयर हो आपके पास लॉ का पूरा जानकारी है बट यू यू आर नॉट गेटिंग अ काइंड ऑफ लाइसेंस ठीक है बट यू आर यूजिंग दैट नॉ लॉलेज लॉ का नॉलेज फॉर डेवलपिंग एंड हेल्पिंग वेरियस कंपनीज जैसे लॉ फॉर्म्स में काम करना एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम करना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तरीके से काम करना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तरीके से काम करना लीगल सेक्रेटरी के तरीके से काम करना यह हो सकता है एज अ नॉन लॉयर एज अ लॉयर यू कैन बिकम लिटिगेंट, सिंपल ये सन तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो ठीक है लीगल एकेडमिशियम में काम कर सकते हो ठीक है आप जुडिशियल सर्विसेज में काम कर सकते हो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं दोस्तों क्लैट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी क्रिएट होती है आपके बच्चों के लिए है ना और उनके लिए पैकेजेस देखें तो बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं जनरली इफ दे वर्क इन अ लॉ फर्म तो बैचलर करने के बाद उनको ज़्यादा पैकेज मिलता है कंपेयर टू एल करने के बाद ये सुनो हो सो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा बैचलर करने से ज़्यादा पैसा मिलता है कंपेयर टू एल ओके okay? सो so, क्या क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है आपके चाइल्ड का है ना सिविल लॉ में जा सकता है टैक्स में जा सकता है क्रिमिनल लॉ में जा सकता है उनको कोई स्पेशलाइजेशन अभी चुनना नहीं है पूरे फाइव ईयर में दे आर गोइंग टू स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स और उसके बाद दे विल डिसाइड कि उनको कौन सी फील्ड में जाना है कौन से फील्ड में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कौन से फील्ड में वो दे आर मोर कंफर्टेबल ठीक है तो ये सब एरिया में जा सकते हैं आज के जमाने का अपकमिंग एरिया है रियल एस्टेट साइबर लॉ इंटरनेशनल लॉ ये बड़े अपकमिंग एरिया है बरसों पुराने जो आपके सामने हैं सिविल टैक्सेशन क्रिमिनल कॉरपोरेट ठीक है लेबर लॉ ये बरसों से चल रहा है लेबर लॉस तो अभी नए आए हैं विथ द अराइवल ऑफ न्यू लेबर लॉ इट इज ऑलवेज द न्यू पीपल हु विल बी एट एडवांटेज पेटेंट लॉस दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कॉपीराइट पेटेंट बड़े महत्वपूर्ण एरिया है और ये भी बड़े ग्रोथ है तो ये कौन सी कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है बच्चों को तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एन का रैंकिंग न वॉट इज एन इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज दिस काइंड ऑफ रैंकिंग फॉर ऑल डिफरेंट कॉलेजेस इन द कंट्री इंजीनियरिंग मेडिकल कॉमर्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ठीक है एम बी ए कॉलेज है ना एम बी बी एस के कॉलेजेस सबके लिए ऐसा रैंकिंग निकालते हैं तो लॉ का भी निकालते हैं तो वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ जो आपको दिखा रहा है टॉप ट्वेंटी एन एल यूज है ना सॉरी टॉप ट्वेंटी लॉ स्कूल्स जिसके अंदर फाइव ईयर इंटीग्रेटेड प्लस तीन साल वाले कोर्सेज भी इंक्लूडेड है कुछ कॉलेजेस इसमें तीन साल कोर्स वाले भी है मतलब विच मीन्स स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर बैचलर कोर्स एंड उसके बाद एलएलबी करने जाते हैं जैसे आईआईटी आई टी खड़गपुर आई खड़गपुर इज अवेलेबल फॉर द साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ठीक है दे कंप्लीट देयर बैचलर डिग्री एंड देन दे ऑफर थ्री ईयर का कोर्स ठीक है तो यस ये एन में सब कोर्सेज होते हैं फाइव ईयर या थ्री ईयर वाले हव हम उसमें से जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तब ताकि हमें पता चले कि ये क्या नंबर बनता है और हमें कहाँ कहाँ पे टारगेट करना चाहिए अगर आपका चाइल्ड इन टॉप ट्वेंटी में जाता है सो आई बिलीव इट इज़ वेरी गुड आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कि टॉप में कौन कौन से हैं एन एल एस आई बेंगलोर न्यू दिल्ली है ना का एन ओके okay, हैदराबाद का नालसार कोलकाता वाला गांधीनगर कम्स टॉप इसीलिए आपने देखा होगा प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर मैंने गांधीनगर को हमेशा ऊपर नाम दिया है मैंने प्रेफरेंस लिस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके बच्चे के साथ करी है ठीक है आपको भी मैंने अलग अलग वीडियो में बताया है कि, कि किस तरीके से ये काम चलता है हव ठीक है हव ठीक है आपको ये पक्का बात समझ में आ रही होगी कि आप इस रैंकिंग के बेसिस के ऊपर काम कर सकते हैं ठीक है है ना तो ये क्लियर है आपको इनमें से कुछ कुछ कॉलेजेस है ना मैं आप शायद जाना ना चाहे या आप कल आपके लिए वो तीन साल का कोर्स है आप एलिजिबल नहीं है तो चिंता ना करें नहीं अप्लाई करें चलिए कोई नहीं अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और डेटा भी लेकर आया हूं जैसे भारत के टॉप टेन गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस कौन से हैं और भारत के टॉप टेन प्राइवेट कॉलेजेस भी कौन से हैं ये इंडिया टुडे का रैंकिंग है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में टॉप में बैंगलोर है पहला दूसरा कोलकाता है तीसरा भोपाल है चौथा गांधीनगर है देन यू हैव से दिस इज रायपुर लखनऊ फिर आपका फैकल्टी ऑफ लॉ बी का वाराणसी का है है ना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोची और लखनऊ लखनऊ का फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ तो ये जो जो भी मैं आपको सर्कल करके दिखा रहा हूं वो है आपके एनएल ठीक है वो सब आपके एन एल है और बाकी नॉन एनएलू है सिमिलरली प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करें तो सिम्बायोसिस कम्स एट द टॉप दोस्तों इन प्राइवेट कॉलेज के बारे में जो जो भी एक ऐसे एडमिशन प्रोसेस होगा कहाँ पे अप्लाई करना है कैसे करना है उसका अगला वीडियो आ ही रहा है आप उसको देखिएगा ठीक है फिर आई एल एस पुणे ठीक है भारतीय विद्यापीठ पुणे देन स्कूल ऑफ लॉ क्राइस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ठीक है देन यू हैव अमिटी यूनिवर्सिटी ठीक है विच इज़ इन कैन से नोएडा देन मोहाली का आर्मी लॉ कॉलेज ठीक है लॉयड ग्रेटर नोएडा का ठीक है एन एम आई एम एस का मुंबई का कॉलेज निर्मा अहमदाबाद में ठीक है रामैया बेंगलोर में और यू पी एस देहरादून में ये आपके टॉप टेन प्राइवेट कॉलेजेस हो गए बराबर है तो ये हो गए आपके टॉप टेन गवर्नमेंट वाले टॉप टेन प्राइवेट हो गए अब इसमें फीस क्राइटेरिया के मुताबिक में भी अगर मैं बात करूं तो जो भी कॉलेजेस बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है वो यहाँ पे देखे रखे हुए हैं ठीक है शायद आपको नहीं दिख रहा होगा है ना आप उसको जूम इन भी करेंगे तो भी शायद आपको दिखे नहीं आप चिंता ना करें ठीक है आपके बच्चों के लिए मैं ये टेलीग्राम पर पूरा डिटेल दे दूंगा हावेवर मैं आपके सामने इसके बारे में नाम बता देता हूँ बी वाराणसी इज़ इन द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाली कॉलेज में नंबर वन पे आता है ठीक है फिर उसके बाद फिर आपका आता है के कॉलेज मुंबई का देन यू हैव फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया आता है ये सनो ठीक है फिर आपका आता है एक कैन से दिस मोहाली वाला ल, आर्मी लॉ कॉलेज ठीक है फिर यू हैव अ कॉलेज विच इज इन मुंबई है ना दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट लॉ कॉलेज फैकल्टी ऑफ लॉ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आई एल एस पुणे ठीक है ओके दिस आर दी काइंड ऑफ टॉप कॉलेज अवेलेबल ठीक है तो यह है आपके लिए स्ट्रक्चर ठीक है तो प्लीज आप इसको अच्छे से देखेगा दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल सिटीवाइज सॉरी स्टेट वाइज अगर मैं आपको एन आई आर एफ रैंकिंग के टॉप हंड्रेड कॉलेज बताऊं तो यह रहे आपके सामने आंध्र प्रदेश के ये कॉलेज है आसाम का ये कॉलेज है चंडीगढ़ का ये कॉलेज है जो टॉप हंड्रेड में आता है दिल्ली में आपके पास चार कॉलेज हो जाएंगे गुजरात में आपके पास एक कॉलेज है ठीक है कर्नाटका में आपके पास दो कॉलेज हो जाते हैं केरला में एक कॉलेज हो गया मध्य प्रदेश में एक कॉलेज है आपके लिए महाराष्ट्र में एक कॉलेज है जो टॉप हंड्रेड में आता है ये ध्यान रखिएगा उड़ीसा में दो कॉलेज है ठीक है पंजाब में आपके सामने तीन कॉलेज हैं राजस्थान का एक कॉलेज है यहाँ पर आपके सामने ठीक है सिक्किम गैंगटॉक में अवेलेबल है कॉलेज तमिलनाडु के दो कॉलेज है ठीक है आप इसको पॉज करके देख सकते हैं ठीक है थीके, तो ये बिल्कुल ध्यान से देखें तेलंगाना में दो कॉलेज आई और नालसार उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड बी वाराणसी ये कॉलेज है उत्तराखंड में यू देहरादून इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट गेम चेंजर वेस्ट बंगाल के दो कॉलेज आई आई जिसके पास पाँच साल का कोर्स नहीं है पर डब्ल्यू बी मतलब यू जी एस है ना दैट इज़ एन एल यू अवेलेबल है आपके बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी उनका एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है 150 क्वेश्चंस उनके पास है 120 मिनट्स में करने हैं नेगेटिव मार्किंग होती है और ये है अलग अलग सेक्शन का ब्रेकअप ये जो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम्स होती है वो इजी नहीं होती है वो टफ होती है ठीक है और सब बच्चे इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं बहुत ही कम बच्चे क्रैक कर पाएंगे आपका बच्चा एग्जाम के बाद बाहर आकर शायद ये बोले कि बहुत अच्छा गया बहुत अच्छी बात है अगर उसका पेपर अच्छा नहीं गया तो उसको एनकरेज करें उसको आइडेंटिफाई कराने में मदद करें कि तूने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तेरा अच्छा स्कोर नहीं आया तो ये बिल्कुल उसको एहसास कराइए दोस्तों ओवरऑल बच्चे को एग्ज़ाम में जीके और करंट अफेयर का बड़ा प्रेशर रहता है ठीक है साल भर उन्होंने मेहनत करी है हमने बच्चों को 12 ऐसे रिवीजन मॉड्यूल दिए हैं कि यह पक्का है कि जब वो बच्चे एग्ज़ाम लिखेंगे अभी लिख रहे होंगे उनको ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में आते हुए दिखेंगे जो नॉन मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ में टेंशन होता है हमने उनको अच्छे से ट्रेन किया है ये ज़रूर बताया है और इस तरीके से सिखाया है ताकि वो मिनिमम दस क्वेश्चन अटैम्प कर सके जो स्टूडेंट का इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड नहीं है दे गेट लॉट ऑफ चैलेंजेस ठीक है बिकॉज दिस एंटायर पेपर इज इन इंग्लिश ठीक है सो so ये बिल्कुल ध्यान में रखने की बात है देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट नेचुरली कंफर्टेबल इन इंग्लिश लीगल सेक्शन इज एंटायरली न्यू फॉर देम एंड दैट ऑल्सो कम्स विथ हैवी रीडिंग सो दैट्स वॉट दे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस चिल्ड्रन रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ मैचोरिटी और उन मैच्योरिटी को डेवलप करने में ध्यान दें मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आपने से बहुत सारे पेरेंट्स को कि शायद आप में से कुछ कुछ पेरेंट्स को ये डिसीजन लेना पड़े कि मेरा बच्चा अगले साल एग्जाम देगा तो क्या अगले साल के अंदर आप अपने बच्चे की ट्रेनिंग में ध्यान दे पाएंगे इन मुद्दों के ऊपर और आप उस मुताबिक उसको डायरेक्ट कर पाएंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि टीचर जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सके और टीचर बच्चे को गाइड कर सके वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ही पर साथ में पेरेंट प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट के हाथ में पूरा दारोमदार होता है पेरेंट अगर सही डायरेक्शन दे दे तो बच्चे का लाइफ सेट हो जाता है दोस्तों पेरेंट्स में जनरली बच्चों के साथ बात करता हूँ इसलिए दोस्तों बोल देता हूँ ठीक है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पेरेंट्स ठीक है एल करने के बाद बच्चे को एल करने भी के लिए भी जाने का ऑप्शन रहता है एन एल पांच साल का कोर्स है और उसके द्वारा बच्चे की मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है और प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा एडवाइजरी जॉब मिलता है बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं ठीक है और पब्लिक सेक्टर में भी अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं गवर्नमेंट भी लॉ स्टूडेंट्स को नौकरी पर रखती है और वहाँ पे उनको एडमिशन देने के लिए वापस क्लैट देना पड़ता है क्लैट पी बहुत सारे कॉलेज में बच्चे को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है ठीक है ताकि इतनी सारी जो तगड़ी फीस है वो आप कवरअप कर सकते हैं जनरली फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है प्राइवेट में नहीं मिलता है प्राइवेट वालों का गोल ही है कमाना तो ये करते हैं ठीक है तो अब सीटें कितनी है ऑल इंडिया कैटेगरी की सीटें कितनी है वो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूं तो आप देख सकते हैं अलग अलग एन की है ना टोटल सीटें और उसके द्वारा जो अलग अलग कोटा हटा दे तो फाइनली ऑल इंडिया कैटेगरी की सीटें कितनी है वो मैं आपके लिए यहां पे लेके आया हूं ठीक है आई होप इट इज वेरी क्लियर और उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट कॉलेज का भी लिस्ट है यहां पर आपके सामने इन प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको जाना है तो मैंने उसको ग्रुपिंग करी है दिस इज यूपी दिस इज साउथ बैंगलोर एंड कर्नाटका दिस इज राजस्थान दिस इज एनसीआर रीजियन दिल्ली रीजियन का है ये ये आपका यूपी रीजन का है यह आपका साउथ इंडिया का है यह आपका राजस्थान का है ठीक है इसके अलावा अगर आप देखें तो यह आपका गुजरात और बॉम्बे का है यह आपका एमपी का है और यह आपका है ना सेंट्रल इंडिया ठीक है के बारे में बात है ओके okay? तो ये कैटेगरीज में आप देख सकते हो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में ये इंक्लूड आ जाता है तो ये ध्यान रखिएगा ओके okay? ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है तो अब अगला जो वीडियो आएगा वो इस बात के ऊपर होगा दैट क्लैट 2022 का लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था बड़े काम का वीडियो है तो फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके बच्चे अभी एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे आप जरा भी चिंता ना करिए पेपर बहुत मज़ेदार आता है बच्चे के पास हर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने आप को बड़ा स्कोर लेके आ सके ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट